Kashmir, honestly, a land of incredible people and beauty. Can't wait to go back there and attend G20. Arab influencer हैं जिन्होंने पहले भी इंडियन कश्मीर का विजिट किया था और अभी भी उन्होंने इंडियन कश्मीर का विजिट किया है। पहले नंबर पे तो मुझे लगता है कि 370 तो पाकिस्तान में लगा हुआ है, जो यहाँ के हालात चल रहे हैं, जो एक्ट पास हो रहे हैं। Revisiting Indian Kashmir, I'm again inspired by India's peace efforts there. India की तरफ जैसे खबरें आ रही हैं, बहुत तरक्की हो रही है कश्मीर में भी। हमारा तो दिवालिया कश्मीरी को कहता हूँ कि हमारे लिए कम से कम दुआ जो है दुआ भी करें और आवाज़ भी उठाएं हमारी आज़ादी के लिए। ठीक है, यानी आज हम कश्मीरियों को कह रहे हैं कि वो जो इंडिया साइड कश्मीर है उन्हें कह रहे हैं कि हमारी आज़ादी के लिए दुआ करें। हाँ जी, यस, यू वांट टू सी द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, द ब्यूटी ऑफ डाइवर्सिटी। उन्होंने ये बोला है, ये बताया है कि मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि आर्टिकल 370 के बाद इंडियन कश्मीर की पूरी काया पलट गई है। वहाँ की साइंस, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की टेक्नोलॉजी ने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है। पाकिस्तान को भी बड़ा चाह चढ़ा हुआ है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सऊदीज, अरब्स, जो कतरी हैं, अमारातीज हैं, सबको लेके आए पाकिस्तान में और उनको बताएं कि भाई आए और इन्वेस्टमेंट करें। मैं बोल नहीं सकता, मोदी बहुत अपने मुल्क के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, अपने मुल्क की आवाम के लिए अच्छा। जब सारे पाकिस्तान का सत्यानाश है तो कश्मीर में हमने कौन सा वो जाके तो वो मार्का मार देना है। मेरे ख्याल में तो इंडिया जितना उनको कंपनसेट कर रहा है और जितनी फैसिलिटीज दे रहा है तो पहले कश्मीरियों से जाके हमें पूछना चाहिए। ज्यादा हकूक हासिल है इस्लाम वहाँ पर जो कश्मीरी रह रहे हैं उनको या फिर हमें जो पाकिस्तान में रहते हैं इनको? पहले नंबर पे तो मुझे लगता है कि 370 तो पाकिस्तान में लगा हुआ है, जो यहाँ के हालात चल रहे हैं, जो एक्ट पास हो रहे हैं, 14-14 बंदे वो असम्बली में बैठे हैं और वो एक्ट पास किए जा रहे हैं और हमें डराया धमकाया ही जा रहा है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो रहा। और 370 जो आर्टिकल लगा हुआ है उसको यहाँ पे बैठ के जो बातें कर रहे हैं तो इंटरनेशनल फोरम पे जाके बात करें, यहाँ पे उसकी सुनवाई होनी है। यहाँ पे सिंपल हमारे सामने बयान दे देना और कह देना कि हमने जो कश्मीर के हकूक के लिए बहुत बड़ी बात कर ली है, मैं समझता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल फोरम पे जाएं, वहाँ पे बताएं कि क्या 370 लगता है या नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे ख्याल में तो मैं अभी 370 आर्टिकल लगे हुए जो है वो इलाके में बैठा हुआ हूँ। गाय बहुत बड़ा इंकशाफ इन्होंने किया कि कह रहे कि मैं 370 का आर्टिकल लगा हुआ उस इलाके में रह रहा हूँ। सर बेसिकली बात करने का पर्पस यहाँ पर एक तरफ पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये भी है, मैं खुद कश्मीर विजिट करके आया हूँ और वहाँ पर कश्मीर आपने विजिट किया होगा, वहाँ के कश्मीर के क्या हालात हैं? वो सारे हालात आप एक पाकिस्तान में पंजाब में रहते हुए एक यहाँ पर नॉर्मल आदमी को कहें अगर कश्मीर को यहाँ पर लाएंगे तो क्या वो कश्मीरी आना चाहेंगे, इस पर आपकी क्या जवाब होगा? पहले नंबर पर तो जो आवाम है कहीं पर भी देख लें, पाकिस्तान या इंटरनेशनल फोरम पे कहीं भी देख लें, जो अवाम है वो क्या चाहती है? अवाम सिंपल यही चाहती है कि उनको जो वसाइल मिलें, उनकी जो ज़िंदगी है वो आसान हो। तो जो हमारे हालात हुए पड़े हैं, क्या कश्मीर वाले हमारे हालात को देख के क्या हमारे साथ मिलना चाहेंगे? क्या हमारे साथ ही वो आटे की लाइनों में लगना चाहेंगे या जो हमारी करेंसी की क्या वैल्यू हुई पड़ी है? तो मेरे ख्याल में तो इंडिया जितना उनको कंपनसेट कर रहा है और जितनी फैसिलिटीज़ दे रहा है तो पहले कश्मीरियों से जाके हमें पूछना चाहिए। बहुत ही एजुकेटेड बातें कर रहे हैं आप। सर यकीन करें कि मैं होके आया हूँ, वहाँ पर बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरफ से जो पैसे दिए जाते हैं उस लाइन में लग के औरतों के इतने बुरे बुरे हाल, दो दो दिन 24-24 घंटे वो वहाँ पर लाइनों में लगी रहती हैं। क्या वहाँ पर जिस तरह से फैसिलिटीज़, मैंने रिसर्च की थोड़ी सी जम्मू कश्मीर और अपने कश्मीर को लेकर, सर वहाँ पर तो राशन कार्ड दिए गए हैं। अरब इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने पहले भी इंडियन कश्मीर का विजिट किया था और अभी भी उन्होंने इंडियन कश्मीर का विजिट किया है, तो वहां पर विजिट करते हुए उन्होंने एक वीडियो वायरल की है। उन्होंने ये बोला है, ये बताया है कि मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि आर्टिकल 370 के बाद इंडियन कश्मीर की पूरी काया पलट गई है। वहां की साइंस, वहां की एजुकेशन, वहां की टेक्नोलॉजी ने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है और मैं गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट को जो है वो प्रेज करता हूँ। सो वेल, दैट्स इंटरेस्टिंग, गुड। अगर उन्होंने कहा है तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये तो लग रहा है कि इंडिया की जो चेंजेस आई हैं वो उनको पॉजिटिवली ले रहे हैं, इसका तो यही मतलब मुझे लगता है उनकी बातों से। क्यों जी? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और जब भी कश्मीर की डेवलपमेंट की बात आती है तो फिर सवाल इंडियन कश्मीर पर और पाकिस्तान पर दोनों पर उठता है। आप क्या बोलेंगे सर कि आर्टिकल 370 से पहले और आर्टिकल 370 के बाद आपकी नजर में कश्मीर का जाविया या कश्मीर की डेवलपमेंट क्या है? बहुत कश्मीर को फायदा हुआ है,
पहले जो हुकूमतें थीं वो अपने तक ही रिसोर्सेज लग रहती थीं और लोगों तक नहीं था पहुंचता। अब उनकी छुट्टी हो गई है और गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का और कश्मीरी अवाम का डायरेक्ट रिश्ता बन गया है। बात यह कि आर्टिकल 370 को रिमूव करना या ना करना ये इंडिया की इंटरनल एक डिसीशन थी। लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया और पाकिस्तान को, कश्मीर को डिवाइड करता है, वो तो उन्होंने वायलेट नहीं ना की। तो आई डोंट नो व्हाट इज पाकिस्तान्स प्रॉब्लम, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इनको उस पर क्या इतराज है। कश्मीरियों को इतराज है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये केस अभी भी चल रहा है। ये जो सारे मुल्क इकट्ठे हुए हैं ये बेसिकली फूड सिक्योरिटी के हवाले से ज़्यादातर इकट्ठे हुए हैं। अब जी दोवल साहब जद्दा पहुँचे हैं और उनको सऊदीज ऑब्वियसली ऑफिशियल्स ने वेलकम वगैरह भी किया, और ये अब सऊदी अरेबिया का जो अपना इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट में, वन, सेकेंडली ऑन रशिया, थर्ड जो फूड के हवाले से, अगर आपको याद है कि थोड़ा अर्सा पहले हमने बात की थी कि जो इंडियंस हैं उन्होंने चावल की एक्सपोर्ट रोक दी है, और चावल की एक्सपोर्ट रोकने से बेसिकली उसकी वजह यह है कि फूड इन्फ्लेशन हो रही थी इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली इन द राइस। और ये चीज़ बचाती है, ये चीज़ बताती है कि एक तो इंडिया जारी बात है बहुत बड़ा मुल्क है जिसको खुद भी चाहिए फूड, दूसरा उसने इंडिया के फूड चावल एक्सपोर्ट बंद करने की वजह से फर्दर फूड सिक्योरिटी के खदशात बने। और ये जितने मिडल ईस्ट ममालिक है ये सारे के सारे तो डिपेंडेंट ही उसके ऊपर, सारे के सारे ममालिक ही बाहर के मुल्कों में जो खुराक के जो ज़खायर हैं उन्हीं से तो फ़ायदा उठाते हैं। अगर पाकिस्तान है, इंडिया है या बाकी मुल्क हैं, तो वहाँ पे आजकल पाकिस्तान को भी बड़ा चाह चढ़ा हुआ है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब जो कतरी हैं, अमारातीज़ हैं, सबको लेके आएँ पाकिस्तान में और उनको बताएँ कि भाई आएँ और आके हमें जो है वो करें, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें एग्रीकल्चर में। और क्योंकि आपको फूड चाहिए, हमारे पास फूड है, मौजूद है, हम देने को तैयार हैं, आप हमें इन्वेस्टमेंट करें, हम उगाएं। लेकिन पाकिस्तान का ना आर्टिकल 370 से पहले कोई कश्मीर पे पॉजिटिव स्टैंड था कि ये इंडिया जो कर रहा है ठीक है, और उसके रिमूवल के बाद कि ये गलत कर रहा है। इसमें तो एक ही स्टैंड है उनका कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और ये और वो। तो ये इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, पाकिस्तान इज स्पेशलाइज्ड इन वेस्टिंग टाइम ऑन दीज इश्यू।